वर्तमान समय में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एकल परिवार की परंपरा बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि कोई सख्त संयुक्त परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो उसके प्रयास सराहनीय हैं। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे बड़े परिवार से परिचित हैं, जिसमें 10 या 20 लोग नहीं बल्कि 181 लोग एक साथ रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही मिजोरम राज्य के बक्तवांग गांव में रहता है, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोना चान है, जिनकी उम्र 74 साल है। जियोना चान का जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। जियोना चान ईसाई धर्म के संप्रदाय चान पावल के प्रमुख हैं, जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था। यह संप्रदाय बहुविवाह में विश्वास करता है, अतः 72 साल के जियोना चान ने अपनी जिंदगी में अब तक 39 शादियां की हैं, जिनसे उन्हें 94 बच्चे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 72 साल की उम्र के बावजूद भी वो अब भी फिट नजर आते हैं। वो खुद को गांव का सबसे खूबसूरत और स्मार्ट व्यक्ति मानते हैं। गांव की जो महिला उन्हें पसंद आती है, उसे या तो वो खुद पत्र भेजकर शादी की इच्छा दिखाते हैं, या फिर अपनी ही किसी खास बीवी या परिचित के जरिए रिश्ते के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। अगर लड़की मान जाती है तो उससे उनकी शादी हो जाती है। जियोना चान की पहली शादी 17 वर्ष की उम्र में जैथीगई से हुई थी, जो उनसे 3 साल बड़ी थी। वर्तमान समय में जैथीगई सख्त अनुशासन के साथ परिवार की घरेलू गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, और उन्हें इस बात पर गर्व है कि परिवार में हर कोई उनकी भूमिका का सम्मान करता है। जियोना चान की 22 बीवियां 40 साल या इससे कम उम्र की हैं। जियोना चान अपने परिवार के सबसे खास व्यक्ति हैं। इनके पास बड़ा परिवार होने के साथ साथ अकूत संपत्ति भी है। वो जिस गांव में रहते हैं उसका काफी बड़ा हिस्सा उनका खुद का है, इसलिए वे राजा की तरह जीवन जीते हैं। इसके अलावा मिजोरम के बक्तवांग गांव में पहाड़ी पर बना उनका 4 मंजिला विशाल घर भी है, जिसमें 100 कमरे हैं। प्रत्येक बीवी और उसके परिवार को अलग अलग कमरे दिए गए हैं। बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें भी अलग कमरा मिल जाता है। खुद जियोना चान मकान के सबसे निचले तल पर एक बड़े से कमरे में रहते हैं। हर बीवी को उनके पास रहने के लिए एक हफ्ते का समय मिलता है, जो रोटेशन के हिसाब से तय है। हालांकि जियोना चान की इच्छा से इसमें बदलाव भी हो सकता है। जियोना चान का एक बेटा कंप्यूटर में पूरे परिवार का डेटा सुरक्षित रखता है, जिसमें प्रत्येक बीवी और उनके बच्चों का विवरण लगातार भरा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जियोना चान को इतने बड़े परिवार के लोगों के नाम याद रखने में मुश्किल होती है। जियोना चान का घर किसी सैनिक अनुशासन वाली छावनी की तरह चलता है, जहां सभी बच्चों को सुबह उठना होता है और बगल के मैदान में मार्च पास करनी होती है। इसके बाद सभी बच्चे जियोना चान द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में आम तौर पर इसी परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल के हेडमास्टर जियोना चान के छोटे भाई हैं, जबकि जियोना चान के ही बड़े बच्चे और कुछ बीवियां इस स्कूल में शिक्षक हैं। जियोना चान के पास अपने खेत और फर्नीचर की वर्कशॉप है। सारा खाना और सब्जियां इसी खेत में उगाई जाती हैं। इन खेतों में जियोना चान के परिवार के लोग अर्थात उनकी बीवियां और बच्चे काम करते हैं। जियोना चान की कुछ बीवियां फर्नीचर के काम में सिद्धहस्त हैं, जो घर में जरूरत के फर्नीचर बनाती हैं।